भारत ने तीसरा वनडे 200 रन से जीता। शुभमन गिल शतक से चूके, शार्दुल ने लिए 4 विकेट। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत के लिए बल्ले से साफ शुभमन गिल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन ने अर्धशतक लगाए। वहीं गेंद के साथ शार्दुल ठाकुर ने 4 और मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने वेस्टइंडीज से लगातार 13वीं वनडे सीरीज जीत ली है। जी हाँ दोस्तों, अगर विस्तार से बात की जाए तो भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे में 200 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से अपने नाम कर ली है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने लगातार 13वीं वनडे सीरीज जीती है। भारत ने किसी एक टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज़्यादा वनडे सीरीज जीतने के अपने ही रिकॉर्ड बेहतर किया है। इस मामले में पाकिस्तान की टीम दूसरे नंबर पर है, जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार 11 वनडे सीरीज जीती थी। या दोस्तों, इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 351 रन बनाए। भारत के लिए 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक पारियां खेली। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम महज 35.3 ओवर में 151 रनों पर सिमट गई और 200 रन से हार गई। यह वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में भारत की दूसरी बड़ी जीत है। इससे पहले 2018 में भारत ने वेस्टइंडीज को 224 रन से हराया था। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।